आप देख रहे हैं यह राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार का एक उपक्रम है जो कि सवाई माधोपुर में है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पश्चिमी घाट की जैव विविधता। भारत का जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर जैव विविधता देखने को मिलती है। मित्रों, अरब सागर के कालातीत पानी के निकट दक्षिण भारत के मालवा तट पर पहाड़ों की एक श्रृंखला है, यह सह्याद्री या पश्चिमी घाट जो कि पहाड़ी जंगल और मानसून बारिश का एक प्राचीन क्षेत्र। इस घने हरे आड़ में एक दुनिया छुपी है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं और उनमें से काफ़ी कम को ही उसके अनुभव का अवसर मिला है। मित्रों, आप देख रहे हैं ये समुद्र तल से 2000 मीटर से भी ऊपर और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट पर उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1600 किलोमीटर में फैले सह्याद्री में भारत के भूक्षेत्र का 4% से भी कम हिस्सा शामिल है। फिर भी यह देश के 30% से अधिक पौधे पक्षी और स्तनपायी प्रजातियों का बसेरा है। पश्चिमी घाट के हजारों पौधे और पशु प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते, यही उनका एकमात्र घर है और अस्तित्व का उनका अंतिम गढ़ भी। हम देख पा रहे हैं मित्रों ये जैव विविधता के हॉट स्पॉट जो कि जीव संरक्षकों ने पश्चिमी घाट को जैव विविधता के 35 वैश्विक हॉट स्पॉट में से एक बताया है। जैव विविधता हॉट स्पॉटों में भेद करने के लिए दो मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। पहला, स्थानिक वनस्पति प्रजातियों का उच्च प्रतिशत जो वो कहीं और नहीं पाया जाता, और दूसरा एक क्षेत्र जिसने अपने मूल प्राकृतिक आवास का 70% खो दिया है। पश्चिमी घाट 1700 से अधिक स्थानीय वनस्पति प्रजातियों को शरण प्रदान करता है और जिसने अपना 70% जंगल क्षेत्र खो दिया है जो इसे दुनिया के 10 सबसे बड़े जैव विविधता हॉट स्पॉटों से एक बनाता है। ये पहाड़ भारत की 5% से कम भूमि पर फैले हुए हैं, फिर भी यहाँ देश के 30% से अधिक वनस्पतियाँ पक्षियाँ और स्तनधारियों का बसेरा है। हम देख सकते हैं मित्रों इस तरह से हमारे जो लोग हैं भारत भर में बाघ प्रकृति में शक्तिशाली स्रोत का प्रतीक है जो प्रतिदिन और प्रतिष्ठित और सम्मानित है। दक्षिण पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में लोग अपने आप को बाघ के रूप में रंग लेते हैं और गांव में नृत्य करते हैं जिसे होली कहा जाता है। यह प्राकृतिक दुनिया से मानव और आंतरिक संबंध को दर्शाता है और साथ रहने वाले जीव के लिए गहरे सम्मान को दिखाता है। पश्चिमी घाट के कई लोगों को चाहे कोई भी पौराणिक उत्पत्ति हो, एक बात तय है, कम से कम पिछले 12,000 वर्षों से इन पहाड़ों में मानव मौजूद है। इस बात के प्रमाण अनेकों निष्कर्ष में निहित हैं और मालवा तट और पश्चिमी घाट के अंदर पाषाण युग का स्थान ले पाए हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट के मूल आदिवासी निवासियों में एक कुरुबा वसंत के उत्सव में नृत्य करते हैं। ये रीति रिवाज और परंपराएं पृथ्वी के प्राकृतिक वक्रों की निकटतम कड़ी। आप देख पा रहे हैं टोड जो पश्चिमी घाट के सबसे प्राचीन मानव निवासी हैं, वे सदियों से यहाँ रहते आए हैं, भैंस पालते हैं और नीलगिरी के ऊंचे पठारों के बीच बसे हुए हैं। आप देख रहे हैं मित्रों ईश्वर का जंगल दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में विभिन्न रूपों में उपयोग किए जाने वाले चाय और कॉफी दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय पेय पदार्थ है। हम देख पा रहे हैं मित्रों ये बांस और लताएं, ये वनस्पति
हम देख पा रहे हैं इंप्रेशंस या एनुअल बलराम्स कुरुंजी आर्किड ये विशाल मलाबार गिलहरी रतूफा इंडिका ये देख पा रहे हैं पश्चिमी घाट पर वनस्पति की विविधता हम देख पा रहे हैं ये पश्चिमी घाट की नदियां और धाराएं मछली की विविध प्रजातियों के निवास ये हरे भरे मानसून में भीगे जंगल उभयचरों निधियों का घर हम देख पा रहे हैं मित्रों भारत के मेंढकों और टोडों की लगभग 296 प्रजातियां बिल खोदने में पूरी तरह माहिर सरोलियन अंग रहित उभयचरों का एक अनूठा समूह ये किंग कोबरा जो रेप्टाइल्स है किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप डरावने प्रतिष्ठित और अति सम्मानित किंग कोबरा सांपों में सबसे ऊपर कैट स्नेक सरीसृप लार्ज स्केल ग्रीन पिट वाइपर मालाबार ट्रेगोन हॉर्नबिल चिड़िया हम देख पा रहे हैं ये जैव विविधता शेरपूंछ बंदर स्तनपाई जीव भारतीय हाथी जंगली बिल्ली धौल भारतीय तेंदुआ मित्रों जैव विविधता को खतरा कारण और निवारण भारत के पश्चिमी घाट दुनिया के एक सबसे समृद्ध संपदा संपन्न पारिस्थितिकी की घटक साथ ही सबसे अधिक संकटापन्न भी है इसकी अनोखी जैविक और सांस्कृतिक विविधता को आज सबसे ज्यादा खतरा निरंतर बढ़ती आबादी और उसके प्रतिकूल प्रभावों से है इससे पश्चिमी घाट में रहने वाले जीवों और पौधों को सबसे अधिक खतरा हो गया यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पश्चिमी घाट अपनी संपूर्ण विविधता और सुंदरता के साथ दुनिया से विलुप्त हो जाएगा क्या शानदार बात है विचारणीय बात है ज्वलंत मुद्दा है कि जैव विविधता को खतरा है और खतरे के लिए हम अभी से सचेत नहीं हुए तो दुर्गा सप्त सती में लिखी हुई बात कि यावत भूमंडलम धत्ते शशैल वन काननम तावत तिष्ठति मेदिनाम संतति पुत्र पोत्र की अर्थात जब तक इस धरा पर वन वन्य जीव जंगल रहेंगे हम और हमारे आने वाली पीढ़ी का भरण पोषण होता रहेगा और यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से हमारा अंत स्वतः ही हो जाएगा अतः इस ज्वलंत मुद्दे पर अर्थात हम कहें कि हमारी जैव विविधता को जो पश्चिमी घाट की जैव विविधता है दुनिया का सबसे प्रमुख संप्रद्ध संपदा है संपन्न पारिस्थितिकी की घटक है इसको बचाने की ओर विशेष ध्यान देना होगा मित्रों आप देख रहे हैं दुनिया में अलग अलग स्थानों से लोग सवाई माधोपुर में इस प्राकृतिक संग्रहालय को देखने के लिए आते हैं और वास्तव में यह बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि तब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इसकी और जागरूक कैसे होंगे तो प्राकृतिक धरोहर और उसकी रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है मित्रों इसी परिप्रेक्ष्य में पश्चिमी घाट की जैव विविधता की जो प्रस्तावना है पृथ्वी पर मानव जीवन सफल और संभव हो यह दूसरे सभी पशु पक्षियों की जातियों और प्रजातियों की विविधता पर निर्भर करता है अगर इस पृथ्वी पर मानव जीवन की रक्षा करनी है
तो हमें इन पशु और पक्षियों के आवासों की प्रतिबद्धता से रक्षा करनी होगी। इनका सबसे अच्छा उदाहरण भारत के पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया है, और यही मलाबार तट जहाँ पर सीख न सिर्फ हमें अपनानी है बल्कि आने वाली पुस्तों को भी यह बताना होगा, तभी जाकर हम इसको बचा पाएंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं पहाड़ों के लिए पानी के नियमन में शोला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देख पा रहे हैं मानसून के दौरान वे स्पंज की तरह वर्षा को सोख लेते हैं और उसके बाद शेष वर्ष इसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे नदी लगातार बहती रहती है। जब शोला के जंगल कटते हैं तो जमीन पानी को रख नहीं पाता और मानसून बाढ़ के विनाशकारी चक्र में और उसके बाद सूखे में फंस जाता है। आप देख पा रहे हैं अरब शब्द जो मानसून मौसम से, मानसून शब्द का वास्तविक अर्थ मौसम है, और आसपास के समुद्रों और भूमि द्रव्यमानों के बीच तापमान में अंतर की वजह से मानसून होता है। गर्मियों के दौरान जब एशिया के भूमि द्रव्यमान गर्माते हैं तब भारतीय मानसून प्रारंभ होता है। जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है ये कम दबाव बनाता है जिससे महासागरों से हवा शल की ओर बहती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नमी से भरी ये दक्षिण पश्चिम हवा जून से सितंबर तक मानसून की वर्षा करती है। मित्रों, सह्याद्री के कई रूपों में झरने लगातार नीचे गिरते रहते हैं। मानसून में कटाई के लिए इन पहाड़ों के बिना दक्कन के पठार पर जीवन काफी दूभर होगा। पहाड़ों के नीचे पूर्व की ओर बहने वाला पानी अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत के लिए जीवन रेखा का काम करती है। आप देख पा रहे हैं मित्रों, यह वही वेस्टर्न घाट है जिसमें नर्मदा वैली, नॉर्थ वेस्टर्न घाट, मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, दक्कन थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न घाट माउंटेनो रेन फॉरेस्ट, साउथ दक्कन प्लेटो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, साउथ वेस्टर्न घाट मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट एंड साउथ वेस्टर्न घाट माउंटेनो रेन फॉरेस्ट, और ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं मलाबार जो अरेबियन सी पर है, मलाबार कोस्ट, मलाबार तट, जो कि मोस्ट फॉरेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। मित्रों, ये पश्चिमी घाट के घने जंगलों से घिरे लहराते छोटे पहाड़ों की श्रृंखला से घास से घिरे ऊंचे पहाड़ों तक फैला हुआ है और अनाई मुंडी या हाथी का सिर इसकी चोटी है, जो समुद्र तल से 2695 मीटर ऊपर हिमालय के दक्षिण में यह भारत का सर्वोच्च स्थान है। तो यही भारत की वह भूमि है जहां जैव विविधता पूरे विश्व में भारी मात्रा में पाई जाती है।